बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास 4। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2D। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 33। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 3 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। क्वेश्चन 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट 2, 3, 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ डैश, 2, 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। ब्लैंक में क्या आएगा? 30। 2, 3, 5 के प्राइम फैक्टर्स 30 हैं। अगर हम 2, 3, 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 30 होगा, इसलिए हमारे पास 2, 3, 5 के प्राइम फैक्टर 30 है, तो ब्लैंक में क्या आएगा? 30। बी पार्ट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 आर 1 एंड डैश, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 आर 1 एंड 41। ब्लैंक में क्या आएगा? 41। मींस कि अगर 1 और 41 को मल्टीप्लाई करें तो प्राइम फैक्टर 41 होगा, इसलिए 1 के साथ ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसका प्राइम फैक्टर 41 हो? तो 41, तो ब्लैंक में क्या आएगा? 41। सी पार्ट देयर आर डैश प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58। देयर आर 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58। 58 के कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे? 2, तो ब्लैंक में क्या आएगा? 2। डी पार्ट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर डैश एंड डैश, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 एंड 5। 10 के कौन से प्राइम फैक्टर्स होंगे? 2 और 5। मींस कि अगर हम 10 का एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम लेने के प्राइम फैक्टर 2 और 5 आएंगे, तो डैश में क्या आएगा? 2 एंड 5। ई पार्ट प्राइम फैक्टर कैन नेवर बी अ डैश नंबर, प्राइम फैक्टर कैन नेवर बी अ कंपोजिट नंबर। क्या कह रहे हैं कि प्राइम फैक्टर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसका 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। मीन्स वो अपने टेबल में भी आते हैं, वो दूसरे टेबल में भी आते हों, तो इसलिए जो है प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते, तो ब्लैंक में क्या आएगा? कंपोजिट नंबर। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5 ब्लैंक्स थी। अब हम क्वेश्चन 2 की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। क्वेश्चन 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली, ट्रू। क्या कह रहे हैं कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू। बी पार्ट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2, 3, 5, 5, 10, फॉल्स। फॉल्स क्यों हैं? बिकॉज 100 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2, 2, 5, 5 आएंगे, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर आप 100 का एलसीएम लें तो 100 का एलसीएम लेने पर हमारे पास 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5 होंगी, तो इसलिए ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। सी पार्ट अ फैक्टर ट्री इज़ यूज टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स, ट्रू। क्या कह रहे हैं? फैक्टर ट्री को प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रू, इसलिए ब्लैंक में क्या आएगा? ट्रू। डी पार्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ट्रू। प्राइम फैक्टर्स के जो नंबर हैं वो ही प्राइम नंबर्स होते हैं, ट्रू, तो ब्लैंक में क्या आएगा? ट्रू। ई पार्ट 2 इज़ द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 6, फॉल्स। क्या कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही 6 नंबर का प्राइम फैक्टर होगा, फॉल्स, क्योंकि सिर्फ 6 नंबर का 2 प्राइम फैक्टर नहीं होगा, 3 भी होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। सो नाउ स्टूडेंट, ये हमारे पास 5 ट्रू एंड फॉल्स थे। अब हम क्वेश्चन 3 की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। क्वेश्चन 3 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए पार्ट 3, 3, 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3, 3, 3 एंड 5 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है, 135। तो क्या कह रहे हैं? 3, 3, 3 एंड 5 के प्राइम फैक्टर जो है वो 135 होगा, तो फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। बी पार्ट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110 आर
110 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? तो नीचे फोर में से करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं? सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। 110 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 2, 5 एंड 11। तो आप सेकंड वाले को करेक्ट करेंगे। सी पार्ट, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर 2, 5 एंड। तो नीचे फोर ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड वाला 5। मीन्स के 50 के प्राइम फैक्टर्स 2, 5 एंड 5 होगा। तो आपके पास थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है। डी पार्ट, द प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज फर्स्ट इज अ प्राइम नंबर, सेकंड इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर, थर्ड इज अ कंपोजिट नंबर, फोर्थ इज द बिगेस्ट फैक्टर। तो द प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, अ प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर जो है वो ही प्राइम नंबर्स होंगे। तो हमारे पास अब प्राइम नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ई पार्ट जो है हमारे पास पेज नंबर 34 पर है। तो आप 34 पेज नंबर ओपन कर लें। ई पार्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन मींस, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? हमारे पास नीचे फोर ऑप्शन है। फर्स्ट इज डिवाइडिंग द नंबर इंटू टू पार्ट्स, सेकेंड इज फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, थर्ड इज मल्टीप्लाइंग द नंबर विद प्राइम नंबर्स, फोर्थ इज ब्रेकिंग अ नंबर इंटू प्राइम फैक्टर्स। तो इन फोर ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? लास्ट वाला यानी कि फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है, ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स, मींस के नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। होम टास्क, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इन AR, exercise 2D, page number 33 and 34. So now students, आप question 1, question 2 and question 3 की practice करेंगे अपने assignment register में. Thank you, Allah Hafiz.